पुरुष है गाँव के, यहीं से यही है, हम भी व्यापारी भाई है यहीं बाजार में। लेकिन यहाँ गृह मंत्री जी आए, हमने भी उनका स्वागत किया, हमारे हम भी बराबर में ही दुकान है कि हमारी भी, होम मिनिस्टर साहब आए, अच्छा है। लेकिन ये सब सियासी मुद्दा है और सियासी लोग यूज़ करते हैं, हमें तो आपस में रहना है। कारोबार हिंदू और मुसलमान के बगैर ना, हिंदू का अगर ऐसा ताल्लुक है जैसा सांस का और रूह का, हिंदू के बगैर मुसलमान नहीं रह सकता और मुसलमान के बगैर हिंदू नहीं रह सकता। ये सब सियासी लोग हैं और इनका जिस तरह हमारा व्यापार है, भी मेरा बराबर में व्यापार है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हमारा इनके बगैर काम नहीं। जिस तरह दुकान में अगर माल होगा, उनकी दुकान में माल है हिंदू और मुसलमान, उनकी दुकान में हिंदू और मुसलमान, उनकी राजनीति है, वो उसे उसमें यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पलायन हुआ था, थोड़ा क्राइम था और क्राइम से दो हत्या हुई यहाँ पे, जो निर्दोष व्यापारी भाइयों की हुई। उसमें यहाँ के मुसलमान भाइयों ने, तमाम व्यापारियों ने 13 दिन तक के बाज़ार बंद रहे और बंद होने के दौरान शहर की स्थिति बहुत ख़राब हुई, बहुत गलत पैगाम गया शहर की तरफ से, हमें भी इज्जत ख़राब हुई, हमारी भी इज्जत ख़राब हुई। अगर शहर की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, लेकिन बहुत दुख की बात थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, योगी सरकार आई, योगी सरकार ने क्राइम पे कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद अब यहाँ के हालात सामान्य है। हमें राजनीतिक लोग हैं, होम मिनिस्टर साहब है, पहली बार देश के होम मिनिस्टर साहब ने इस तरह पर्चे बांटे बाज़ार में आके, हमें प्रचार करने आए थे, वो उनका काम है। हमारा काम है कि एक साथ रहना हिंदू मुसलमान के साथ। यहाँ के जो विधायक जी है, यहाँ दोनों लोकप्रिय विधायक है, बहुत ही अच्छे विधायक है, उन पर राजनीतिक मुकदमे हैं सब, क्योंकि तो सरकार मुकदमे करती है, अब इनकी सरकार है, अब उनकी है। लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है और समाजवादी पार्टी की सीट निकलेगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं टोपी ओढ़ रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सबसे पहले मुसलमान होने से पहले पहले एक इंसान हूँ। और ये सियासी लोग हैं, सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है, मुल्क में सब खैरियत है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो प्रशांत जी, सियासत को लहू पीने की आदत है या कुछ कहा, वरना मुल्क में सब खैरियत है, बहुत बड़ी बात कह दी। लेकिन उसके साथ साथ ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे, ये इस जो गली हम दिखा रहे हैं, इस गली में ही अमित शाह पहुंचे थे और इस गली में बहुत लोगों से ऑफ रिकॉर्ड भी हमारी बातचीत हुई। बहुत लोग कैमरे पे आना नहीं चाहते हैं, ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं, लेकिन ये जो बातें आती हैं वो सामने यही इसी ढंग से आई कि एक आग में घी डालने का जो काम था वो करने की कोशिश की गई है 2 दिन पहले और उससे 2-3 महीने पहले भी। आप क्या कहेंगे, ये बहुत एक गंभीर मामला कैराना को लेकर के, जब जब कैराने की बात आती है तब तब 2013 के बाद से, फिर 2016 और उसके बाद अब भी बार बार कैराना और उसमें भी पलायन, क्या कहेंगे भाजपा की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैराना को जिस प्रकार प्रयोगशाला भाजपा ने बनाया है वो कितना सफल हुआ अभी तक के चुनाव में। 22 तो अभी सामने है, लेकिन अभी तक के चुनाव में। देखिए, जिस दुकानदार से आप बात कर रहे थे राजीव जी, उस दुकानदार ने वो बात कही है जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को कहनी चाहिए थी। उसने तारीफ की उनकी और उसने कहा कि उन्होंने क्राइम को रोक दिया। तो ये बात तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को कहनी चाहिए थी कि हमने क्राइम रोक दिया, पलायन यहाँ से रुक गया। जो भी उसकी कंट्रोवर्सी थी वो उस पर हम आएंगे बाद में, और आपने भी उसकी चर्चा की है। लेकिन उस दुकानदार ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया, ये अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। इनकी इनकी इनके पर्चों को अगर हम माने या इनकी यात्रा को माने या योगी आदित्यनाथ के लगातार जो बयान रिपीट कैराना पे आते हैं, तो कैराना की स्थिति तो अभी भी विस्फोटक बनी हुई है। लोग यानी फिर डबल इंजन सरकार का क्या फायदा अगर कैराना से लोग अभी पलायन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी कि पलायन तो हमारा भी हुआ है, हम सब यहाँ पे पलायन किए हुए लोग अपने अपने घरों से यहाँ काम धंधे के लिए दिल्ली में आए, और कैराना से भी लोग पलायन करने गए, पलायन होके कहाँ से नहीं जाते हैं।
बहुत से आसपास के जगह के लोग कैराना आए होंगे व्यापार करने, वो बता भी रहे थे आपके साथ में जो दुकानदार जिनसे आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग वहाँ भी आए कैराना भी आए व्यापार करने। तो ये तो ऐसे ही समाज सभ्यता शहर देश चलते हैं, लोग एक दूसरे जगह जाते हैं। अब जो इसकी राजनीति है, मैं दो तीन पॉइंट उसमें राजनीति में उसके बोल दूं। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कैंपेन को फॉलो करेंगे शुरू से, तो आप देखेंगे कि इन्होंने कई सारे टेस्ट बलून फेंके मौसम का मिजाज पता करने को, जैसे मौसम विभाग टेस्ट बलून भेजता है, इन्होंने भी कई टेस्ट बलून फेंके। उसमें पहले सबसे पहले आया कि उत्तर प्रदेश को हम तीन हिस्सों में बांटेंगे, वो नहीं चला। उसके बाद इन्होंने एक बलून फेंका, एक मुद्दा फेंका कि जनसंख्या नियंत्रण बिल हम लेके आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण बिल पे भी किसी ने रिएक्शन नहीं किया, मीडिया में भी बज नहीं क्रिएट हुआ उसका, वो मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद ये राम मंदिर को लेकर इन्होंने शुरुआत की, राम मंदिर में जमीन के घोटाले निकल गए वहाँ अयोध्या में, तो वो मुद्दा की हवा निकल गई। फिर नवंबर में वो कैराना पहुँचे, तमाम गलियों से होते हुए इधर उधर वो कैराना पहुँचे, उन्होंने कैराना का एक टेस्ट बलून फेंका, वो भी नहीं चला। तब वो दूसरे मुद्दों पे भी गए। उसके बाद वापस कैराना में इलेक्शन के ठीक पहले अमित शाह चले जाते हैं। इसका मतलब है कि इनका कोई एक मैसेज काम नहीं कर रहा है। जो बात हम लोग बार बार कहते आए हैं कि किसान आंदोलन ने जो इनकी प्रयोगशालाएं कैराना और मुजफ्फरनगर की थी उसको ध्वस्त कर दिया, वहाँ ट्रैक्टर चला दिया, तो वो ट्रैक्टर चल गया, उसका सबूत यही मिल रहा है कि ये बार बार वहाँ जा रहे हैं। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, हमको पता चलेगा। लेकिन अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट, जैसे आप होकर आए, मैं भी उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ लोगों से, बीजेपी का जो कम्युनल कार्ड है उत्तर प्रदेश में, उसमें ज़बरदस्त तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन वो उस तरह से नहीं चल रहा जैसा 2017 में चल गया। 2019 का चुनाव अलग था। अब मैं कैराना की बात करूं, कैराना में सिटिंग MLA समाजवादी पार्टी का है, लोकसभा हुकुम सिंह जी, अब आपने कहा, आपने बताया कि इस दुनिया में नहीं, उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी, उसके बाद वो लिस्ट उन्होंने वापस ली, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से 160 मुसलमानों का भी पलायन हुआ है। उस वक्त बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया उसको, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, चुनाव से पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना उसका, उनको फायदा ही मिला। लेकिन आप ये देखिए कि कैराना में फिर 2018 में हुकुम सिंह की जी की मौत हो गई, उसके बाद वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ जिसमें हुकुम सिंह जी की बेटी ही मृगांका सिंह खड़ी हुई, और वहाँ से समाजवाद वो आरएलडी की कैंडिडेट जीत गई। तो कैराना के मुद्दे का कैराना में असर नहीं है, लेकिन ये कैराना के मुद्दे का असर बाहर देखना चाहते हैं। जैसे पंजाब में इन्होंने किया, तो पंजाब में तो उनको नुकसान हो गया, पंजाब में जो मोदी जी के सिक्योरिटी को लेकर इतना शोर मचा, लेकिन वो किया गया था उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में उसका कितना लाभ मिल रहा है, नहानी हो रही है, वो तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये करते अपने एरिया के लिए हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो इधर उधर चीज़ें हो रही हैं। कैराना भी उसमें से, कि कैराना में इनको हो सकता है कि चुनाव वहाँ से इस बार भी हार जाए, लेकिन कैराना के मुद्दे को दूसरी जगह बनाना चाहते हैं। जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है कि उसका असर अब नहीं होगा, असर अब नहीं होगा। कैराना का मुद्दा जो है उसमें भी पलायन का